नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। और मैं इस वक्त हूँ पार्किंग एरिया में। ये देखिएगा, गाड़ी वगैरह पार्किंग में खड़ी हुई है। और इस पार्किंग में आपको बाइक का 10 रुपये चार्ज लगेगा, वैसे कार वगैरह का भी आपको पार्किंग चार्ज यहाँ पर लगने वाला है। और कथा का प्रारंभ 2 बजे से होने वाला है। चलिए दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो शुरू करते हैं और दिखलाते हैं आपको। दोस्तों आप लोग पार्किंग देखिए, पूरा बाइक ही यहाँ पर खड़ी हुई है। और यह पार्किंग फ्लाई क्लब के पास में BSP ग्राउंड को बनाया गया है। और ख़ास बात यह है यार कि इस ग्राउंड में आपको बाइक का 10 रुपये चार्ज यहाँ पर पार्किंग चार्ज देना पड़ेगा। और आप लोग ग्राउंड देखिए कि पूरा कार और बाइक यहाँ पर खड़ी हुई है और यहाँ पर चार्ज लिया जा रहा है। और बाकी जगह और पार्किंग बना हुआ है जहाँ पर कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है। जैसे कि BSP एसोसिएट के पास में भी एक पार्किंग बना हुआ है, वहाँ पर कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। और इस पार्किंग से कुछ ही दूरी में जयंती स्टेडियम ग्राउंड स्थित है, जहाँ पर शिव महापुराण की कथा चल रही है। आगे चलकर आपको दिखलाएंगे यहाँ पर क्या व्यवस्था है, सभी व्यवस्था का आपको दिखलाने और बताने का प्रयास करेंगे हम। चलिए दोस्तों चलते हैं। और कथा का समय दोपहर 2 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक है। और दुकानें यहाँ पर लगी हुई है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। खाने पीने की सामानें आपको मिल जाएगी, पूजा पाठ की सामानें आपको यहाँ पर मिल जाएगी, अन्य सामानें की यहाँ पर स्टॉलें शॉप वगैरह लगी हुई है। साथ ही साथ सभी व्यवस्था दिखलाने का प्रयास करेंगे। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। और इस तरफ आप लोग देखिएगा कितने जनसंख्या में लोग यहाँ पर कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। और ट्रेन का भी समय है इसलिए सब एक साथ आ रहे हैं। बहुत से लोग ट्रेन से आते हैं, बस से आते हैं, गांव वगैरह से लोग यहाँ पर कथा सुनने के लिए सब आते हैं। और 3-4 दिन यहाँ पर रुकते भी हैं कथा सुनने के लिए। सब अपना काम वगैरह छोड़कर यहाँ पर आते हैं। पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा भक्ति है, किस भक्ति में ही शक्ति है ये मान सकते हो आप लोग। इसीलिए लोग सब यहाँ पर इतना ज़्यादा कथा सुनने के लिए आते हैं। कुछ तो असर होगा इनका, है नहीं। और आप लोग देखिए कि लोग अभी भी आ ही रहे हैं और पंडाले पूरी तरह से फुल हो चुका है। पंडाल देखिए दोस्तों, कितने जनसंख्या में लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। पंडाले कम पड़ चुकी है और पंडाले अभी भी लगाई जा रही है और लोग कंटिन्यू आ रहे हैं। लगता है कि लास्ट के दिन तो पूरा ग्राउंड पूरा लोगों से भर जाएगा, ऐसा लग रहा है। दोस्तों इस तरफ आप लोग देखिएगा तो छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर कथा सुनने के लिए आए हुए हैं। साथ ही साथ बुजुर्ग लोग आए हुए हैं और जो बीमार हैं उन लोग भी यहाँ पर कथा सुनने के लिए आए हुए हैं। पता नहीं महाराज जी का असर है या फिर भगवान का या भक्ति है, पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन सब लोग यहाँ पर कथा सुनने के लिए आए हुए हैं। आप लोग भीड़ देख ही सकते हैं, अपार जनसंख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। दोस्तों कथा वाली ग्राउंड में आपको ऐसी एम्बुलेंस 4-5 और देखने के लिए मिल जाएगी। यह श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज का एम्बुलेंस है और ऐसी आपको अलग अलग एम्बुलेंस यहां पर देखने के लिए मिलेगी। स्वास्थ्य व्यवस्था का विशेष ध्यान यहां पर रखी गई है। जैसे ही आप लोग BSP एसोसिएट ऑफिस की तरफ आएंगे, आपको अलग अलग समितियों के द्वारा निःशुल्क भोजन प्रसाद का वितरण देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हो रहा है, आप लोग देखिए आतिशबाजी के साथ। आप लोग इस तरफ आप लोग देखिएगा तो फिर ये देखिए शंकर जी यहाँ पर विराजमान है। आप लोग भी दर्शन करिए, साथ ही साथ यहाँ पर प्रसाद वितरण भोजन वितरण भी किया जा रहा है। ये देखिए शंकर जी है, शिवलिंग है, नंदी जी यहाँ पर है। और समिति के अलावा यहाँ पर जो रात रुकते हैं उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था, जो जिनके द्वारा कथा कराई जा रही है उनके द्वारा भी किया जा रहा है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो प्रसाद वितरण भोजन वितरण यहाँ पर किया जा रहा है और लोग यहाँ पर सब आए हुए हैं।
और आयोजनकर्ताओं के द्वारा रात रुकने वालों के लिए भोजन की व्यवस्था भी किया जाता है, भोजन भंडारे की भी व्यवस्था उनके द्वारा की जाती है। और यहाँ पर आपको खिचड़ी मिल रही है, दाल चावल सब्जी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों इसके अलावा आपको अलग अलग खाने पीने से रिलेटेड स्टॉलें भी देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा, जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आते हो तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आप लोग स्टॉलें देख रहे होंगे, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।